हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एकेडमी। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? आपको आवाज़ आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ बच्चा? हाँ जी, अनमोल, सुचित्रा ठाकुर, मधु, मोहित, रवि, सुरेश, दीक्षा, आशु, आवाज़ आ रही है बेटा? कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? एक बार फटाफट बता दो इफ यू कैन लिसन टू मी। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन। बहुत बढ़िया, दीक्षा गुप्ता भी आ गई हैं भाई, सारे बच्चे आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस। माय नेम इज दानिश सफर, आप सब जानते ही हैं। मैं 10 साल से अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम्स में पढ़ा रहा हूँ। सर्टिफाइड हूँ एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से आप सभी को पढ़ाने के लिए, और अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम्स में मैंने सिलेक्शन भी दिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की, तो ये सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है जो आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, जहां आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं डिस्कशन में, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोल में आंसर भी कर सकते हैं। तो आपको ये पता चलता रहता है कि आपकी स्पीड पोल में कैसी है। मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ये पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आपका स्टैमिना कैसा है, आप कौन से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइनअप होते हैं, और आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ की तैयारी करवा देते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है भाई, आप इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ जाओ, ठीक है, सिर्फ 300 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी एक बहुत बढ़िया इस पर ऑफर चल रहा है। आपको करना है क्या है, जल्दी से SSC इंस्टॉल करना है, ये ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, और SSC कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप ये 24 महीने का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ SSC एग्जाम्स के लिए है, ये बात याद रखना, सिर्फ और सिर्फ SSC एग्जाम्स के लिए। बट अगर तुम्हें चाहिए कुछ ऐसा जो SSC एग्जाम्स के लिए भी हो, जो रेलवे के एग्जाम्स के लिए भी हो, जिसे कह रहे हो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ SSC, तो इसके अंदर CPO भी आ गया तुम्हारा, इसके अंदर तुम्हारा CGL भी आ गया, इसके अंदर तुम्हारा स्टेनो भी आ गया, इसके अंदर MTS भी आ गया, इसके अंदर तुम्हारे सारे एग्जाम आ गए, और इन सब के प्री भी आ गए, इन सब के मेंस भी आ गए। सेम यहाँ पे है, बैंक के सारे एग्जाम आ गए, बैंक के सारे मेंस आ गए, RBI के सारे एग्जाम आ गए, RBI के मेंस आ गए, रेलवे के का पूरा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। मतलब इसमें इतनी सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं सिर्फ 14,395 रुपये में 1 साल के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास बैंक का सारे सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, बस बैठे रहो घर पे पढ़ाई करते रहो। अगर ये चाहिए हो, ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है फिलहाल के लिए, इसीलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। तो कूपन कोड यूज़ कर लेना Danish10, इस पर एक बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत आए तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं दिला दूंगा, ठीक है। ये ऑफर कल से स्टार्ट हुआ है, कब खत्म होगा आई डोंट नो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के सेशन के बारे में, ठीक है। सारे बच्चे जुड़ गए? हाँ। अब देखो यार, मैं ना एक्चुअली 2 दिन के लिए लीव पे गया था। लीव पे क्या मतलब, मैं लगातार मैराथन ले रहा था, बहुत सब कुछ, सो आई नीडेड सम पीस फॉर माई सेल्फ, थोड़ा सा रिलैक्स मुझे करना था। सो फाइनली वी आर बैक, और रोज़ाना की तरह सेशन वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता था, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका होमवर्क जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, मतलब सैटरडे दिया था ये होमवर्क मैंने, सैटरडे ये होमवर्क दिया था मैंने आपको। इसका आंसर RPSQ होगा, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है इसमें, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है, मोस्ट वेलकम, मैं समझा दूंगा, पूछ लेना, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें RPSQ, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ, ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये दिया था, ये भी प्रीवियस ईयर है, 2010 में आया था। कहाँ आया था? SSC CGL में। ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, आज भी आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम बच्चों ने किया, और अभी मैं देखूंगा किस किस ने किया है, पर मुझे ये कन्फर्म है कि बहुत ही कम बच्चों ने किया है। QSPR इज द करेक्ट आंसर, दिस वन थर्ड, ठीक है। तो इसके आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए, एक बार देख लीजिएगा। जो होमवर्क में मैं क्वेश्चंस देता हूँ वो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब बात करेंगे आज के सेशन की और पहले क्वेश्चन की। तो देखो भाई, तुम्हारे पास है 5,
बैक टू बैक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, फाइव बैक टू बैक आरसीस। अच्छा तुम सोच रहे होगे सर एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब अच्छे से क्यों ना कर ले, मैं तुम्हें दो ही क्यों ना करा दूं। अभी जब मैं तुम्हें सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहा था तो मैं कह रहा था कि मेंस में भी आएंगे ये, तो भाई 5 to 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं सीजीएल में, सेम 5 to 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं तुम्हारे पास सीपीओ में, और तुम्हारे पास 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं स्टेनो में। अब मुझे बता दो कि मैं एक या दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करा दूं, तुम्हारे पास हमेशा 5 बैक टू बैक आते हैं, तो मैं तुम्हें बैक टू बैक 5 कराऊंगा, ठीक है। जो चीते हैं वो रुकेंगे, जो पिलपिले हैं जो पपीते हैं वो चले जाएंगे। उसका सिंपल रीजन है आपको सिलेक्शन पाने के लिए रीडिंग तो करना पड़ेगी, बिना रीडिंग के सिलेक्शन हो नहीं सकता। इस पे कल एक मैंने वीडियो भी बनाई है, 1 मिनट की देख लेना, ठीक है। सो हियर वी गो, पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे, एक बार क्वेश्चन पे नजर मारेंगे और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे वापस आएंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस पे नजर मारते हैं। हाँ सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहिए। मोहित भास्कर भी आ गई, हाँ चनीतू भास्कर, काजल, अनमोल सब आ गए। सुचित्रा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पीयूष। ओके गाइस सो वी हैव रेड इट ऑल, सो हियर वी गो। जल्दी से 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पहला वाला पढ़ लिए, ऑल द बेस्ट फॉर इट, गो फॉर इट। जब आप इसे पढ़ लें तो डी एंड डन लिख दीजिएगा। जब आप इसे पढ़ लें तो डन लिख दीजिएगा। जैसे ही आप डन लिखेंगे मैं आगे बढ़ूंगा। ओके हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। नेहा मिश्रा गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस, स्टे ब्यूटिफुल एंड गेट सेलेक्टेड एज सून एज पॉसिबल, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, और खाओ पियो, मे यू थ्राइव बाई लीप्स एंड बाउंड्स। मैं हल्के ही बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं ना, मैंने वॉइस थोड़ी कम कर रखी है। जब आप पढ़ ले तो डन लिख दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जल्दी से डन लिख दीजिएगा।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज गाइस। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तब मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। एकेडमिक्स में यूज कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती है, वो ग्रामेटिकल एरर नहीं है। जब आप इसे पढ़ लें तो एक बार डन लिख दीजिएगा एंड वी शैल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओके, सो शैल वी गो फॉर द क्वेश्चन। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी कौन देता है सबसे पहला आंसर। और ये क्वेश्चन, इसके आंसर आपको साफ साफ मिल जाएंगे। चलिए, हु विल गिव मी द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला आंसर मुझे दिया है मधु ने, और बिल्कुल सही आंसर है मधु का, तमिलनाडु, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, है ना। देखो साफ साफ दे रखा है, ये दे रखा है तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, है ना। फॉर्टिकल्चर इज नाउ कमर्शली कल्टिवेटेड, तो साफ साफ दे रखा है। आसान सा क्वेश्चन था पहले वाला, आप इसे आसानी से कर सकते थे। पेज वन पे दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आशु का, मुकुल का, सुचित्रा का, कोमल का, मानसी का, सबका ठीक हो गया। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर टू आंसर बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आपको बताना पड़ेगा। ये आपको दिमाग लगा के बताना पड़ेगा। सबसे पहला आंसर एक बार फिर से मधु का आया है। अच्छा, रवि खुशवाहा, हाँ जी, बी इज द करेक्ट आंसर। द राइस ऑफ 40, फॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्लावर्स, फ्लावर्स का उगना और में बोना और में बेचना। सो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आता रहे, थम्स अप देते रहिए, डाउट है तो पूछिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर बताइए। 515 सही करने हैं भाई, गलत नहीं हो देना। 515 का टारगेट लेके चलोगे तब मजा आएगा। क्या बात है, ये भी साफ साफ दे रखा है। पीछे जाके एक सेकंड में तुम्हें दिखाता हूं मैं, जिस जिसके गलत हुआ है उसके लिए। देखो यहाँ दे रखा है 249 एकड़ लैंड, किसके लिए, द एरिया अंडर 40 कल्चर प्रोडक्शन इंडिया इज अराउंड 249,000 एकड़। तो 249 मतलब बी इज दी करेक्ट आंसर। बी समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। सब साफ साफ दे रखा है, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आप इसमें आसानी से 515 स्कोर कर सकते हैं। चलिए, नॉट ट्रू बताना है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताइए। फोर का, सॉरी, थर्ड, इंडिया टोटल एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर वाज 571 मिलियन इन 2018-19। ये कहां दे रखा है, पीछे जाओगे, जल्दी जल्दी पीछे जाओ, ये दे रखा है। इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर वॉज 571 करोड़ था, या फिर 81.94 मिलियन था, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या फिगर दी है, यहाँ पे इसने डॉलर कर दिया, ये करोड़ था
करोड़ को डॉलर कर दिया, इसलिए यही वाला गलत है, हमें नॉट ट्रू बताना था। चला कि खेल गया भाई, मिलियन कर दिया है ना, डॉलर कर दिया, जबकि ये रुपीस में था। तो आंसर हो जाएगा 3। समझ में आया? थम्स अप दीजिए, डाउट तो पूछिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इसके बाद अपना स्कोर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने 5 में से आपने क्या स्कोर किया। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, द आंसर इज दे गेव अ मेजर फिलिप टू द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। क्यों? द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। व्हाट गेव अ मेजर फ्लिप? किसने दिया था मेजर फ्लिप? किससे पलट गया? फ्लिप का मतलब होता है पलट जाना, टू द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। एक बार यहां देखेंगे, यहां से तुम देख सकते हो, द लिबरलाइज इकॉनमी हैज गिवन एन इंपेचुअस टू द इंडियन एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिशिंग इंपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर विद यूनिट कंट्रोल क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, ये यहाँ पे इसने दिया है, यहाँ पे भी दिया है। इंडियन हॉर्टिकल्चर हैज बीन शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्लावर्स टू कट फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस। समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्कोर बता दो आउट ऑफ 5 और फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आउट ऑफ 5 स्कोर चीतों का। अच्छा, जिस जिसने पैसेज नहीं पढ़ाया जो अभी आया है, परेशान बिल्कुल मत हो, अभी तुम्हारे लिए 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंतजार कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट है, तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले फटाफट देख लें 515 वाले कौन कौन चीते हैं। शीतल वशिष्ठ, क्या बात है, पीयूष वर्मा, रवि खुशवाहा के तो नहीं है, अच्छा सुचित्रा कुमारी, कोमल के 4। देखिए 4 में मुझे मजा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे है ना, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 515 इज द बेस्ट स्कोर। 4 वालों ने मुझे ठीक है सेटिस्फाई कर दिया, और 3 वालों अभी तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही नहीं है। सो लेट्स मूव फर्दर, हियर वी गो, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन योर लव। तो पहले देखेंगे क्वेश्चंस, हमेशा की तरह एक बार क्वेश्चंस पर नजर डालेंगे और फिर वापस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे। बाकी रवि के, अनमोल के मैं 4-4 मार्क्स देख रहा हूँ। आहिया आहिर अभी आई हैं, इसका मतलब है उनके पास पूरा मौका है अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, सो लेट्स गो फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं सबसे पहले आपको पैसेज दिखा रहा हूँ, जब ये आप पैसेज पढ़ लेंगे एक बार डी एन लिख देंगे, मतलब डन या डी ओ एन ई डन लिख देंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाऊँगा। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, टिक के पढ़िए और अपने स्टैमिना को चैलेंज कीजिए। जैसे ही आप पढ़ लें तो डी एन डन लिख दीजिएगा।
जैसे आप डन लिखेंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट पेज। डन, जब आप ये वाला पेज पढ़ लें एक बार फिर से डन लिखिएगा, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पेज। डन, जब आप ये भी पढ़ लें तो एक बार डन लिख दीजिएगा। डन, ओके, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर वन। ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स सी कौन कर पाता है 5 on 5 करेक्ट, है ना। तो आसान सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, टारगेट क्या है, 5 on 5 आपको सही करना है। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देखता है। हाँ भाई, तो आंसर आना शुरू हो गया। सबसे पहला आंसर मुझे दिया है गोविंद प्रजापति ने, उसके बाद सुचित्रा ठाकुर ने, और आप सभी का गलत है। आई एम वेरी सॉरी टू से, कॉन्सेप्ट्स इज द करेक्ट आंसर। एक बार पढ़ तो रहते बेटा, सिर्फ कोमल ने सही आंसर दिया है, बाकी सबका गलत है। एक बार पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अर्ली सिंबल वर्क बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफ्स एंड आइडियोग्राफ्स। तो ये होते क्या था, पिक्चर्स विच रिजेंबल वॉट दिस सिग्निफाई, ठीक है। आगे इन्होंने क्या कहा, एंशियंट सुमेरियन, ठीक है, बिगिन टू अडेप्ट सब सिंबल्स टू रिप्रेजेंट कॉन्सेप्ट्स। अर्ली सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताते थे, बाद में इसको आर्ट माना गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स। समझ आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, साफ साफ दे रखा है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर बताइए। पहला गलत, दूसरे का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत तेज, चीते की फुर्ती के साथ। ये सही करा, देखो गोविंद प्रजापति ने चला के दिखा दी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा नहीं, ए लिखा दिया। और जितना जितना भेड़ बच्चा था ना, भेड़ बच्चा इनके पीछे ए ए ए ए ए ए लिखता चला गया। वॉट इज द पैसेज मेनली अबाउट, ये बिल्कुल बात सही बात है, पिक्टोग्राफ्स के बारे में है, उसका एंशंट और मॉडर्न टाइम्स के। ए इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे रवि कुशवाहा, आशु, हाँ, कोमल, सुचित्रा, सबका ठीक हो गया। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये करना चाहिए तुम में से ना कोई ऐसा कर दिया करो बार बार, एक गलत आंसर दे दो, सब पीछे पीछे भागेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन भेड़ है। Which of the following is an early example of use of pictographs in modern times? Modern times का example. जल्दी से एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। इसका आंसर फोर्थ और डी में से कोई एक होगा, आंसर है ये। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली एग्जाम्पल, अर्ली एग्जाम्पल पूछा है, तो सबसे पहले तो लंदन रेलवे टाइम टेबल में आया है ये। देखो यहाँ दे रखा है, सबसे पहले कहाँ यूज हुआ, साफ साफ, एन अर्ली मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ पिक्टोग्राफ्स मे बी सीन इन द मैप, कहाँ पे, लंदन सब अर्बन टाइम्स ऑफ लंदन, ऑफ द लंदन एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, आसान सा क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बताइए, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। Which of the following is not true बताना है, ये याद रखिए, क्या बताना है आपको, Which of the following is not true? अभी आंसर दो, किसी का आंसर नहीं आया, I am waiting for your answers। अच्छा बी 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 बता रहे हैं बच्चे, Which of the following statement is not true? George Doe used pictographs to represent facilities near each train station। अरे कुछ भी, ये वाला जो है ये गलत है, जॉर्ज डो ने क्या किया था ये आपको यहां पता चलेगा। जॉर्ज डो ने ये वाला काम किया था, ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे था 1936-1947 से वो डिजाइन किया था, वहां पे जितने भी पिक्टोग्राफ्स लगे थे वो किसने, जॉर्ज डो ने करे थे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यूज पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट फैसिलिटीज नियर रेलवे स्टेशन, तो ये थोड़ी किया था उसने, उसने यूज नहीं किए थे पिक्टोग्राफ्स, उसने क्या किया था, डिजाइन किया था, उसने यूज नहीं किए थे, उसने डिजाइन किए थे, ठीक है। यूज तो किसने किए थे, लंदन सब अर्बन टाइम टेबल्स में इसे यूज किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। भाई समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, सी नहीं है। रॉक आर्ट ऑफ सुषमास पीपल इज पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन हिस्ट्री, ये बात इसने दे रखी है यहां पर, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये वाला आंसर नहीं है। ये देखिए, ये दे रखा है, वन एग्जाम्पल ऑफ मैनी इज द रॉक आर्ट ऑफ द सुशाम पीपल पार्ट ऑफ द नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया की बात कर रहा है वो इसकी बात नहीं कर रहा मेसोपोटामियन हिस्ट्री की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बताइए, वो इररिलेवेंट दे रखा था। हाँ मेसोपोटामिया दिया है, अभी देखते हैं यार उस वाले क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन नंबर 9th को दोबारा देखेंगे। हाँ इसका आंसर बताइए, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, 1 इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 10। एक बार अपना स्कोर बता दो सारे बच्चे, हाँ इसका आंसर ठीक कर लो यार, इसका आंसर 3rd ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये फिर भी चल जाएगा, पर इन्होंने मेसोपोटामिया का अगर पुराना भी देखो, मेसोपोटामिया इज टूडेज इराक, इराक और ईरान वाला जो एरिया है वो मेसोपोटामिया है काफी हद तक, तो यहाँ पे उसने अमेरिका लिखा है, तो यहाँ पे अमेरिका है, इसलिए आंसर 3rd हो जाएगा। तो 9th का आंसर आप 3rd के लीजिए और आउट ऑफ 10 मुझे स्कोर बता दीजिए। 7 अनमोल, अच्छा 3 आए हैं कृष्ण मिश्रा के, नीतू भास्कर 7, ठीक है,
वो गोविंद प्रजापति कह रहे हैं 3 out of 5। देखिए एक बात याद रखिए, आपके 3 आए या आपके 4 आए या आपके 0 आए, ये सब सेम है। क्यों? मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा भाई। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हारे 4 नंबर आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई कितने, 5, तो तुम्हारे नंबर कितने हुए, 5 4 20। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स का था, 25 मार्क्स का था, ठीक है। और अगर ये 6 आते हैं, 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए, फॉर एग्जाम्पल भाई तुम्हारे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 4 नंबर आए, 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गए, 6 4 24, नंबर कितने थे, 30, ठीक है, बेकार हो गया तुम्हारा। बट अगर तुम्हारे ये 4 की जगह यही 5 नंबर आते हैं, ठीक है, 5 नंबर आते हैं, या 4.5 भी आ जाते हैं, 4.5 का मतलब है किसी में सही हो गए किसी में गलत हो गए, तो कितने नंबर हो गए तुम्हारे, 6 5 30 का 0 कैरी 3, और 6 6 4 24, 25 26 27, 27। तो यही नंबर होते हैं जो तुम्हें मेंस में लेके जाते हैं, यही नंबर होते हैं जो तुम्हें सिलेक्शन दिलवाते हैं। तो भाई यही तो 3 नंबर लेके आने हैं, 24 के ऊपर वाले 3 ये सिलेक्शन दिलाते हैं, 24 तो ये तो लाने हैं, ये तुम लाओगे ना लाओगे सिलेक्शन तो इसके बिना तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th का भी आंसर बता दिया मैंने, फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। तो 7 7 7 7 मुझे ज्यादातर बच्चों के दिख रहे हैं। तो अगर किसी ने बिना पढ़े 2 या 3 नंबर लेके आ गया और वो खुश हो गया है, तो समझ लो सबसे ज्यादा पप्पू अपने आप को बना रहा है, ठीक है। तो 3 4 नंबर से मतलब नहीं है, अगर बिना पढ़े 5 ला रहे हो तो कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत पढ़ना, तो तुम अंतर्यामी हो, 515। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए गो फॉर इट, पहले एक बार जल्दी से नजर डाल लो। हाँ कोई नहीं, गोविंद इस बार ले आना, बहुत बढ़िया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें मजा आ जाएगा। वैसे जिनका स्टेमिना पिलपिला हो चुका है, जो कह चुके हैं सर हम चीते नहीं है, वो जा सकते हैं। ओके गाइस, सो गाइस लेट्स गो फॉर इट। जब आप इसे पढ़ लें तो एक बार डन लिख दीजिएगा, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप डन लिखेंगे मैं आगे बढ़ूंगा।
जैसे आप डन लिखेंगे मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत देर लगा रहे हो यार तुम लोग पढ़ने में, इसे 2 बार पढ़ लिया मैंने एक पेज। नेक्स्ट, कैसे यार तुम लोग कितनी देर लगाते हो भाई पढ़ने में। डन, नेक्स्ट पेज। भाई पढ़ लिया ना, देखो डंडल लिखते रहोगे तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ऐसे मुझे पता थोड़ी चलेगा। डन, ओके सो हियर वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सारे आंसर वहीं दे रखे हैं। बहुत तेज। क्रोनोस डिवोट हिज चिल्ड्रन एट बर्थ बिकॉज, हाँ जी बिल्कुल सही। डी वालों सबका गलत हो गया, बी वालों सबका गलत हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। हिज सन वॉज प्रिडिक्टेड टू अर्थ थ्रू हिम, है ना, ये भविष्यवाणी हुई थी कि भाई तुम्हारा बेटा तुम्हें मार देगा, तो जैसे कंस ने किया था वैसे इसने किया था। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत तेज आंसर बताना है। देखिए साफ साफ दे रखा है ये। हाँ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये कहाँ दे रखा है, 12 चिल्ड्रन जो गॉड और गॉडेस थे। यह है सबसे पहले पेज पे दे रखा है। यूरेनस हु वर द पेरेंट्स ऑफ फर्स्ट 12 जायंट्स नोन एज टाइटंस। ठीक है, तो ये पहले थे, तो कौन कौन था?
गया मदर अर्थ एंड यूरेनस इन दोनों के लिए। तो ये हाँ गला एंड यूरेनस, GIAI है ये, ए इज द करेक्ट आंसर, वन। ठीक है, बाकी सारे गलत हो गए, यही तो वन ही तो आंसर होगा। सब पेज सेकंड पेज पे दे रखा है, लास्ट पेज पे नहीं दे रखा। ठीक है, ये किसके पूछ रहा है? 12 ओलंपियन गॉड्स, ये गाला और यूरेनस के थे। यहाँ पे दे रखा द हिस्ट्री ऑफ ग्रीक पैंथियॉन्स बिगिंस विद द प्राइमोडियल डाइटीज गाया मदर अर्थ एंड यूरेनस फादर स्काई हु वर द पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट 12 टाइटन्स। भाई मेरे समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम्हें? तुम लोग मुझे थम्स अप तो दो। अमंग दीज टाइसन सिक्स मेल्स एंड सिक्स फीमेल्स, द मेल्स वर नेम्ड, ये नाम थे मेल्स के। ठीक है, अब उन्हीं में से एक बच्चा था रेहा, ये पैदा हो गया था। ठीक है, ये रेहा आया, उसके बाद क्रोनोस इवेंचुअली थ्रोस यूरेना एंड रूल्ड अ माइथोलॉजिकल गोल्डन एज ओवर टाइम ही एंड रेहा। तो रेहा का जो पति था वो कौन था? क्रोनोस था, क्रोनोस रेहा का पति था। ठीक है, एंड हैड 12 चिल्ड्रन हु वुड बिकेम द ओलंपियन गॉड्स। अच्छा, तो यहाँ पे इसने पूछा क्या है? यहाँ पे इसने पूछा है 12 ओलंपियन गॉड्स एंड गॉडेस वर द चिल्ड्रन। हाँ तो ठीक है, आंसर हो जाएगा क्रोनोस एंड रेहा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाला तुम्हारा ठीक हो गया, बाकी सबका गलत हो गया। समझ में आता रहे, थम्सअप देते रहिए, डाउट है तो पूछते रहिए। देखो तुम्हारा थम्सअप ही मुझे आगे बढ़ाता है, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता, तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं देख सकता, तुम्हारी नोटबुक नहीं देख सकता। भाई तुम अगर मुझे थम्सअप भी नहीं दोगे और बताओगे नहीं कि सर हो गया, तो मैं क्या करूँगा बता, है ना? एक थम्सअप देने में भी तुम्हें दिक्कत है। अभी सेशन आज तुमने किसी ने लाइक भी नहीं किया सेशन को, ना ही सेशन को शेयर करते हो। ठीक है भाई, ऐसे ही पढ़ना है तो चलो ये वाला बताओ जल्दी से आंसर थर्ड। और मुझे लग रहा है 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज यू गाइज आर गेटिंग सो स्लो, आंसर इतनी देर में दे रहे हो भाई, सेकेंड्स में आंसर दो ना। हाँ जी, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट। देखो तुमसे पहले मैंने आंसर दे दिया और इतनी देर मैंने बात भी कर ली, आंसर किसी का आया ही नहीं। जल्दी से, हाँ समझ में आ गया, थम्स अप दे दो, अब आंसर देने से फायदा नहीं है, यू आर टू लेट। अगर तुम 10 सेकंड में आंसर नहीं दोगे आंसर मेरा आ जाएगा, याद रखो, है ना? सुस्त बच्चा नहीं चाहिए यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूं होते हैं, पढ़ा लगाया पढ़ा लगाया पढ़ा लगाया, ये सुस्ती वाला काम ही नहीं है, 6 करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ बहुत तेज, तुम देर करोगे मैं बता दूंगा आंसर, वेरी सिंपल। 14th आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीक गॉड इज नॉट ट्रू, ग्रीक गॉड वर मॉर्टल्स, ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर ना। जिस जिस अब जो मेरे बाद आंसर दे रहा है यूजलेस, कोई फायदा नहीं आंसर देने का। ठीक है, आप लेट हो गए, बेकार है आंसर देना, क्योंकि जब आप एग्जाम में ऐसे करेंगे तो आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना? तो लेके थोड़ी बैठना होता है भाई, पढ़ना ऐसा होता है दिमाग में नोट्स बना के, इसीलिए पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दिखाता हूँ, बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पर 5वें तक आते आते तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ जी, वन, ए इज द करेक्ट आंसर, पैसिफाई एंड वर्शिप देम, पैसिफाई एंड वर्शिप देम, ये भी साफ साफ दे रखा है। आउट ऑफ 15 जल्दी से स्कोर बताओ। और देखिए अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ और आपका एक स्कोर है 17, तब तो ठीक है, लेस देन 17 याद रखिए यूजलेस है। यूजलेस का मतलब है आपको उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, पर हाँ अगर आपके 16 नंबर हैं, 15 नंबर हैं,
14 नंबर है, तो उम्मीद है कि आपके 17 भी हो जाएंगे मिनिमम। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके नंबर आ रहे हैं 10, 11, 12, 8, 9, तो अभी आप एकदम बर्बाद हैं रीडिंग में। रेगुलर रीडिंग करिए और रीडिंग को ऐसे बना लीजिए जैसे आपका खाना, आपको दिन में 3 से 4 बार रीडिंग करनी है और सिर्फ रीडिंग ही करनी है अंग्रेजी सही करने के लिए, अगर आपके नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आ रहे हैं, ठीक है, इस सेशन में। बहुत बढ़िया, तो 11, 12, 15 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 20 में से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी बहुत कम स्कोर है, सभी का स्कोर कम है, ठीक है। 11, 6 कृष्ण मिश्रा का देखो 60% स्कोर है बस। चलिए तो लास्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं और तेज करेंगे यार, सुस्तपन नहीं, मुझे सुस्तपन नहीं चाहिए, है ना। नजर डालो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे, दिमाग में नोट्स बनाओ। ओके गाइस, सो लेट्स गो फॉर इट, फटाफट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। ये रहा पहला पेज, जब आप पढ़ ले तो डन लिख दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये मैं अपने पास से नहीं लेके आया शीतल वशिष्ठ, ये इतने ही लेंथी आते हैं, आप एक बार देखो ना। सीपीओ 24 नवंबर 2020, अब मैं क्या करूं, सीपीओ ने इतना लंबा दिया, मुझे तो पढ़ा नहीं है। डन डन लिखते रहें तो थम्स अप देते रहिए, डन लिखिए थम्स अप दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। आशु का डन आ गया भाई, देखो ये लड़की ने तेज पढ़ दिया, बाकी सब थोड़े सुस्त रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज।
डन, जब आप पढ़ लें तो डन लिख दीजिएगा। ठीक है, सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फॉरेस्ट वीड रेफर टू, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बताओ बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ, है ना। बैम्बू इज द करेक्ट आंसर, साफ साफ दे रखा है, इसके अलावा बाकी सारे की बात ही नहीं हुई है, टीक और साल की भी बात हुई है, लकड़ियों के नाम है, पर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आता रहे, थम्स अप देते रहिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तेज तेज करेंगे यार, चीते की तरह सुस्त नहीं। जैसे तुम्हारा आंसर आएगा मैं आगे बढ़ूंगा। इट डिड नॉट इंक्रीज द फॉरेस्ट रेवेन्यू, साथ साथ दे रखा है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, बाकी सबका गलत हो गया। बी सी में यूज करते रहे, ठीक है। ये देखो यहां पे दे रखा है साफ साफ, इन 1920s द ब्रिटिश रियलाइज दैट बाय मिंसिंग बैम्बू इंटू मिलीमीटर शेड, कुकिंग इंटू केमिकल्स, पल्पिंग, फ्लैटनिंग, दे कुड प्रोड्यूस शीट ऑफ पेपर, दिस वुड ब्रिंग द ब्रिटिश। हाँ, ये यहाँ दे रखा है, मल्टी डायमेंशनल रोल दैट द फॉरेस्ट वीट प्लेड इन द लोकल इंडियन गवर्नमेंट इन्वायरमेंट वॉज ऑफ नो अकाउंट एज इट डिड नॉट फिगर इन फॉरेस्ट रेवेन्यूज, क्योंकि फॉरेस्ट से उस समय कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। ठीक है, समझ में आ गया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ए इज दी करेक्ट आंसर, गोविंद प्रजापति, अनिरुद्ध, भास्कर, सब ने सही आंसर दिया, वन इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी जल्दी चलेंगे अब, जल्दी जल्दी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बचा है, आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 19। अरे यार क्या लिख रहे हो तुम भी यार, कहाँ वीविंग की कहाँ बात हुई है, पेपर को मिंस करते हो, फ्लैटनिंग करते हो, पल्पिंग करते हो, वीव कब करते हो बच्चा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कुछ भी लगा रहे हो, कुछ भी, सी ए बी, क्या मतलब है भाई, साफ साफ यहाँ पे दे रखा है उसने कि पेपर में आप क्या क्या करते हैं, ये दे रखा है, पल्पिंग, फ्लैटनिंग, मिंसिंग, वीविंग तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीविंग वाले, हाँ मॉडेस्ट मटेरियल क्यों कहा गया, क्योंकि इट इज इनएक्सपेंसिव, सस्ता है, एंड नॉट हाईली एक्लेम्ड, कहां दे रखा है ये, यहां दे रखा है, हाँ जी डी। एक बार जल्दी से मुझे फटाफट पहले स्कोर बताओ अपने, जल्दी से आउट ऑफ 20 स्कोर बताइए अपने। अब ये बताओ, एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का मन है या फूक गए, डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अनदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और यू आर डन, स्कोर्स बहुत बर्बाद है। चलो मैं चुप जाता हूं, जब तुम इस क्वेश्चन समझ में आ जाए आंसर कर दे रहा।
आर यू विलिंग टू गो फॉर अनदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और यू आर डन। हाँ, तो पहली लड़की है जिसने जवाब दिया है कराओ, वो कौन है? नीतू भास्कर। तो उसके बाद वांसी ने जवाब दिया, ठीक है तो भाई दम लगाओ, दम लगाओ, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। मैं इसलिए तुम्हें बार बार पुश कर रहा हूँ क्योंकि ये एक एग्जाम में बहुत तेज करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत टफ है। 2 महीने के अंदर सारे एग्जाम खुल जाएंगे और जब ये खुलेंगे और धक्का पड़ोगे ना, उसके बाद टाइम नहीं होगा बच्चा स्पीड बनाने का, यही टाइम है। फिर तुम्हें लगेगा सब पढ़ के भी बेकार हो गया। चलो लेट्स गो फर्दर, एक बार क्वेश्चंस पे नजर डालो जल्दी जल्दी। आज तुम लोगों ने सेशन शेयर भी नहीं किया, मैं कभी नहीं कहता, तुम कभी सोचते भी नहीं हो शेयर करने की। चलिए गो फॉर इट, छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जल्दी से पढ़ेंगे। जब आप पढ़ लें तो एक बार डन लिख दीजिएगा, आप डन लिखेंगे मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट पेज, डन डन, जल्दी से थम्स अप दीजिए अगर पढ़ लिया है तो, क्वेश्चंस करेंगे बहुत तेज। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए जल्दी से। जैसे आपका पहला आंसर आता रहेगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा, और अनिरुद्ध का पहला आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, वन इज दी करेक्ट आंसर, है ना, इसी के बारे में उसने बात की है, बाकी सारे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हारा आंसर लेट हुआ मैं अपना आंसर दे दूंगा। आई वॉन्ट एन आंसर टू बी वेरी क्विक।
भाई सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ये साफ साफ दे रखा है, बाकी सबका गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट ऑथर्स पर्पस, भाई ऑथर ये कह रहा है उसे जू में क्यों रखते हो, कच्चे जगह पे रखने के लिए जानवर बनाए, शेर को शिकार नहीं कराओगे तो उसे फायदा क्या, मजा क्या आएगा, सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत हैं और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, बोरिंग एनिमल्स का मतलब ही क्या है, जो अर्थ खोदते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर, एक बार फिर से बी इज द करेक्ट आंसर, सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत तेज आंसर बताओ, बहुत तेज। देखो भाई अनिरुद्ध सबसे पहले आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है, टू स्पेंड अ डे आउट ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट, सीधी सी बात है, इसलिए तो जाते नहीं है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट, ट्वेंटी फोर, प्रेडिटर्स का मतलब होता है शिकारी, हंटर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल्स विच किल अदर्स फॉर फूड। अब जल्दी से आउट ऑफ 25 अपना स्कोर बता दो, स्कोर आउट ऑफ 25 जो आपका मिनिमम होना चाहिए 21, इससे कम कोई मतलब नहीं है, एकदम आप 20 लाएं या 0 लाएं, आप ये बराबर है, सिलेक्शन नहीं होगा, 21 लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिर्फ सारा खेल इसे एक नंबर का है, ठीक है। हाँ चलिए, तो नीलम के मुझे 21 दिख रहे हैं, बाकी सबको अभी दम लगाना पड़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा, आज क्लास भी लेट हो गई है, मैं इसे यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं 11 बजे, ये मेरे 3 सेशंस हैं, इससे पहले एक बार होमवर्क देख लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, हाँ होमवर्क, ये इसके ऑप्शंस हैं, ये PQRS कल करके लेके आना है, देखो होमवर्क करो ईमानदारी से, जैसे बता रहा हूँ वैसे सेशन लोगे तभी तो इम्प्रूव करोगे ना, नहीं तो यही 12 12 14 14 नंबर लाके, ये देखो 18 17 है ना 19, ऐसे नंबर नहीं चाहिए भाई, 21 21 कब आएंगे, जब रेगुलर करोगे, ठीक है, 17 सुचित्रा के, ठीक है 22 रवि कुशवाहा के, बढ़िया नंबर लाने हैं तो मेहनत करना पड़ेगी। तो ये तुम्हारे हमने ए 8 बजे वाला सेशन कर लिया है, 11 बजे मैं नरेशन पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, ये आज और कल सेशन चलेगा 11 बजे वाला, टॉप क्वेश्चंस है ये आप देख लेना 11 बजे। 3 बजे आज आपकी फिर से क्लास होगी वोकैबलरी वाली, हर दिन की तरह आज भी मैं इसमें वोकैबलरी कराऊंगा, और 4:05 पे होगा मॉक टेस्ट, तो भाई मेरे कमर कस लो मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है 4:05 पे शाम को 5 बजे, है ना, चलो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना काफ़ी है।